हेलो फ्रेंड्स, आपकी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑटोकैड 2019 के यूज़र इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। हम आज ऑटोकैड की ऑनलाइन लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से आपको कंप्लीट ऑटोकैड सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप ऑटोकैड आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप स्टार्ट टैब के अंदर दिस इज स्टार्ट ड्राइंग, यहाँ से आप अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हम ACAD-DWT डिफॉल्ट टेम्पलेट का यूज़ करेंगे 2D ड्राफ्टिंग करने के लिए। स्टार्ट का ऑप्शन आप यहां पर जो ये प्लस का निशान देख रहे हैं, यहां से भी प्लस करके, जैसे आप प्लस करेंगे तो आप नई विंडो स्टार्ट कर सकते हैं। और आप यहां पर दिस इज एप्लीकेशन मेनू बार के अंदर भी न्यू का ऑप्शन है, यहां से भी आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से भी आप ये ACAD टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे तो आप यहां से भी अपनी नई ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी आप न्यू में जाएंगे जैसे ही, तो इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से भी आप जो भी आपको ड्राइंग बनानी है उस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो रिसेंट ड्राइंग्स पर आपने वर्क किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। नोटिफिकेशन टैब के अंदर आपको ऑटोकैड से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसकी जानकारी मिलेगी। और कनेक्ट के थ्रू आप अपनी ड्राइंग्स को क्लाउड में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑटोडेस्क 360 ऐप के द्वारा आप अपनी ड्राइंग को क्लाउड में सेव करेंगे और उसका कभी भी आप बाद में यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर स्टार्ट ड्राइंग पर टिक क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहां पर देख लीजिए, हमने यहां पर 2-3 ड्राइंग ओपन करी हैं। तो आप यहां पर प्लस का निशान जैसे ही टिक करेंगे तो नई नई ड्राइंग्स आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहां पर माउस को लेकर आऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ड्राइंग है उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। ये जो आप पूरी की पूरी स्क्रीन देख रहे हैं इसको ड्राइंग एरिया बोलते हैं। यहीं पर हम अपनी 2D ड्राइंग बनाएंगे और इसको ये भी सिंगल व्यू पोर्ट है, आप देख रहे हैं ये भी सिंगल व्यू पोर्ट है। और इस पूरी ड्राइंग एरिया को हम यहाँ से, आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से हम व्यूपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए व्यूपोर्ट के यहाँ पर जो ड्राइंग एरिया है उसको नेविगेशन के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। और यहाँ से आपको अपने व्यूपोर्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके वर्क करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में करना है तो ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और आप यहां पर अपनी ड्राइंग के अनुसार वर्क कर सकते हैं। अब हम दोबारा इसको सिंगल ही कर लेंगे और यहीं पर आप देखेंगे जैसे ही आप यहां पर जाएंगे टॉप, तो यहां पर जो आपकी ड्राइंग होगी उसका आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ड्राइंग की या फिर जो भी आप मॉडल बनाएंगे उनके विजुअल स्टाइल चेंज कर लेंगे। दीज आर ऑल ऑप्शन, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये सभी डिफरेंट विजुअल स्टाइल हैं। स्क्रीन के राइट साइड में आपको ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है इसको व्यू क्यूब बोलते हैं। इसका यूज हम ड्राइंग को डिफरेंट एंगल से
देखने के लिए करते हैं और हम इसका यूज़ 3D मॉडल्स में मोस्टली करेंगे जब 3D मॉडलिंग करेंगे। दिस इज नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में आप जूम, पैन, ऑर्बिट डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है और आप यहां से इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दिस इज यूसीएस आइकन। यूसीएस की फुल फॉर्म होती है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आप सबसे नीचे देख रहे हैं ये कमांड लाइन है। कमांड लाइन में आप जो भी कमांड इनपुट करेंगे वो सभी यहां पर ड्राइंग एरिया में अप्लाई हो जाएंगी। ये आप सबसे नीचे स्क्रीन के नीचे मॉडल लेआउट और लेआउट सेकंड देख रहे हैं। यहां से हम दिस इज मॉडल में आप ड्राइंग जो आपकी 2D ड्राइंग बनाएंगे उसके बाद ये लेआउट है। लेआउट में जाने के बाद हम अपनी ड्राइंग को पेज पर सेट करके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। यहाँ से आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो बहुत सारे लेआउट आप एक साथ ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकेंगे। और स्क्रीन के सबसे नीचे इसको स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार के अंदर आपको छोटी छोटी सेटिंग्स जो आपको 2D ड्राफ्टिंग करने के लिए जरूरी होंगी वो सब मिलेंगी। और यहाँ से आप अपने जो ड्राइंग एरिया है या फिर सॉफ्टवेयर है उसका वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको 2D ड्राइंग्स बनानी है तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाना होगा। जैसे आपको 3D वर्क करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग में आप 3D डिज़ाइन कर पाएंगे। और दीज आर ऑल सेविंग ऑप्शन और वर्क स्पेस सेटिंग और डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप अपनी सीट की जो भी आपकी रेशियो है उसको चेंज कर सकते हैं। ये सब स्केल के लिए है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो 3 डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आप स्टेटस बार के सभी आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्लीन स्क्रीन Ctrl+0 आप जैसे प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर आप देख लीजिए जो सभी कमांड्स थी वो सब डिलीट हो चुके हैं और पूरी स्क्रीन पर ड्रॉइंग एरिया ही आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन से एग्जिट हो जाएगा। अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे ऊपर आपको देख सकते हैं यहाँ पर AutoCAD 2019 के वर्जन नेम लिखा हुआ है। दिस इज एप्लीकेशन मेनू बार। एप्लीकेशन मेनू बार में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। न्यू, ओपन, यहाँ से आप सेव, सेव एज, पब्लिश कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं अपने ड्रॉइंग्स को और डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ से आप अपनी कमांड जो भी आपको कमांड यूज आपको याद नहीं आ रही है और वो आपको यूज़ करनी है और वो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर भी नहीं मिल रही तो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लाइन कमांड लिखूँगा तो ये इस टाइप से आप यहाँ से कमांड भी सर्च कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज वही ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर ये दो ऑप्शन नए हैं आप देख सकते हैं AutoCAD वेब ऐप और मोबाइल ऐप। ये अभी फीचर 2019 सॉफ्टवेयर में ही आया है। इसमें आप ड्राइंग को किसी भी ब्राउजर के थ्रू ओपन कर सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन और जो भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। प्रिंट दिस इज रीडू अंडू एंड यहाँ से आप अपना जो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है इसके जो मेनू डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर
दिस इज मेनू बार। मेनू बार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेनूज बने हुए हैं। जैसे होम मेनू के अंदर आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा रिबन आप देख सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा पट्टी आप देख रहे हैं, इसको रिबन बोलते हैं। और रिबन के अंदर आपको जैसे होम में जाएंगे, होम मेनू में जाएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैनल हैं। जैसे ये ड्रॉ पैनल, ये मॉडिफाई पैनल, ये एनोटेशन का पैनल है, और इनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स भी अवेलेबल हैं, जिनका यूज हम 2D ड्राफ्टिंग के लिए करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रा पर नीचे क्लिक करूँगा, तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी दिखाई देंगी। तो यहाँ से आप अपनी जो कमांड्स हैं उनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप टॉगल बार देख रहे हैं, यहाँ से हम जो पूरा का पूरा रिबन है उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए थोड़ा मिनिमाइज हो चुका है। एक बार और क्लिक करूँगा तो ये काफ़ी मिनिमाइज हो चुका है और अब ये पूरा का पूरा गायब हो गया है। जैसे मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं रिबन को। ऑटोकैड 2019 में कुछ आपको नए ऑप्शन भी दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोलेबरेट में जाऊँगा तो आपको ये दो नए फीचर्स दिखाई देंगे, शेयर्ड व्यूज एंड DWG कंपेयर। DWG कंपेयर के थ्रू आप किन्हीं भी दो ड्राइंग्स के बीच डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। यहाँ से आप पहली ड्राइंग इंसर्ट करेंगे, यहाँ से दूसरी ड्राइंग इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आपको दोनों के बीच जो भी डिफरेंस होगा आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये फीचर सॉफ्टवेयर में ही आ गया है, इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए भी जरूरत नहीं है। पहले हम देखते थे कि ड्राइंग्स में हमें डिफरेंस पता नहीं लग पाता था, तो हम किसी नए सॉफ्टवेयर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता था उसका इस्तेमाल करते थे। शेयर्ड व्यूज के थ्रू आप अपने व्यूज को, अभी मेरा जो नेट है वो कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आपको पहले यहाँ पर साइन इन करना होगा और शेयर्ड व्यू के थ्रू आप अपनी ड्राइंग्स को शेयर कर सकते हैं और उस पर कमेंट कर पा सकते हैं, कमेंट कर भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, मैं इंसर्ट में जाऊंगा तो आपको यहाँ पर PDF इंपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। PDF इंपोर्ट से आप किसी भी PDF को इंपोर्ट करके उसकी डिफरेंस उसके मैक्सिमम पार्ट को आप 2D ड्राइंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं PDF ड्राइंग के। तो जैसे आपको अभी 2019 सॉफ्टवेयर में आप इसके जैसे रास्टर इमेज है और टेक्स्ट है और जो भी आपकी ड्राइंग है उसके मैक्सिमम पार्ट को आप सॉफ्टवेयर के अंदर 2D ड्राइंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे आपके पास कोई PDF ड्राइंग बनी हुई है और आपको अब उसकी पूरी की पूरी कॉपी करके लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी जो टेक्स्ट होगा या फिर लाइंस होंगी वो अपने आप AutoCAD की एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर वर्कस्पेस सेटिंग पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ से भी आप अपने डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको इस पर वर्क करना है सेट कर सकते हो। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार आप इस पूरे के पूरे जो आपका डायलॉग बॉक्स है इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो आप जैसे 2018 से जो ओल्ड वर्जन है AutoCAD के उनमें ये आप स्ट्रेच नहीं कर सकते थे और आपको यहाँ से एरो से ये कम ज़्यादा करना पड़ता था, तो यहाँ से आप इसके सभी कम जो भी आपके फीचर्स हैं उनको इजीली देख सकते हैं स्ट्रेच करके। ओके फ्रेंड्स, तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।